मुर्दाबाद में 2024 के बाद जनता का सुंदर राज देखने चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बना बिल्कुल। बिहार का फिर जो मथुराई जेल में बंद था और तमिलनाडु में बंद था, जो स्टालिन के कब्जे में था, आज हमको न्याय पर बहुरा भरोसा है कि न्याय ने उसको वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया और आने वाले दिन में हमको पूरा न्याय और राष्ट्रपति पर पूरा विश्वास है और निश्चित के साथ विश्वास है कि उनको जरूर न्याय मिलेगा और चंपारण शेर फाटक फूटेगा, शेर बाहर निकलेगा। आप हमारे पूरा जनता विश्वास के साथ इसी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रहता है। हम लोग मनीष कश्यप में 2024 के बाद जनता का सुंदर राज देखने चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बना बिल्कुल, देख लीजिएगा ये आने वाले दिन में पूरा जनता देख रहे हैं, ये पूरा खाचा खाच भरा हुआ है टाउन, ये पूरा जनता तय कर लिया है कि 2024 में ना मार गठबंधन का जो सरकार है सपना देख रहा है ना, वो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाला वो सपना साफ हो जाएगा और आने वाले दिन में मनीष कश्यप बिहार का नए नवेली मुख्यमंत्री बनाने का इतिहास रचेगा और पूरा बिहार से बाहर जो राज्य में बैठे हुए हैं नेता लोग जो उसके विरोध में खड़ा करते हैं वो उसका दांत खट्टा हो जाएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। वो यहाँ जनता तय करेगी और जनता उसको जिताएगी और 2024 में उसको सरकार में लाएगी। याद रखिएगा, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। बेतिया के कोर्ट के गेट के पास और देखिए अभी अभी मनीष कश्यप बेतिया में पहुंच चुके हैं, कोर्ट में हाजिर होने के लिए आज पहुंच चुके हैं और बहुत लोगों का इंतजार था, बहुत लोगों के मन में था कि आखिर मनीष कश्यप कब तक आएंगे बिहार में और आज वो घड़ी समाप्त हुआ, मनीष कश्यप अपने बेतिया में आ चुके हैं और एक पल देखने के लिए मनीष कश्यप का चेहरा देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितना भीड़ है और इससे भी ज्यादा भीड़ एसपी ऑफिस के गेट पे है जहाँ पे मनीष कश्यप है और यहाँ पे कोर्ट में उनकी माँ गई हुई है। आखिर क्या कुछ अपडेट मिलता है आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि मनीष कश्यप को हर पल का अपडेट मिले। दिखाइए यहाँ पे तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई है, इतना भीड़ है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिखाइए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और देखिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई तरह का हंगामा नहीं हो। यहाँ पे लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए इतना ज्यादा परेशान है कि क्या कहे क्या बताए, लोग के अंदर एक झलक पाने के लिए लालसा जगी है और लोग पहुंच रहे हैं लगातार। यहाँ पे जाम की समस्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए और एसपी ऑफिस के पास आपको ले चलेंगे, वहां पे दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आ चुकी है मनीष कश्यप को देखने के लिए। बाकी आप लोग देखिए और लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। इतना लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं बेतिया कोर्ट के पास में, देखिए और अभी अभी उनकी माँ आ रही है, निकल रही है कोर्ट से। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी मनीष भैया की माँ निकल रही है कोर्ट से और देखिए तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इतना भीड़ लग चुका है देखने के लिए। देखिए अभी अभी पहुंच चुकी है मनीष कश्यप की माँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ चुके हैं। देखिए पूरा दिन कराया जा रहा है, जब तक नहीं मिलाया जाएगा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल कीजिएगा। सर क्या अपील करना, नालंदा से आए हुए हैं मनीष कश्यप के समर्थक, मुर्दाबाद मनीष कश्यप जिंदाबाद, मुर्दाबाद यादव मुर्दाबाद, तारीख दे रहा है 24 में उसको चुनाव में पांच तक आ जाएगा। सरकार की राय जाएगा, कोई बहुत दुख है तेजस्वी को, बहुत दुख है तेजस्वी को। अच्छा ये बताइए मनीष कश्यप कैसे।